नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। सो आज की टॉपिक है हाउ टू ट्रेड ऑन स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ा सा बेसिक्स भी कवर करने वाला हूं, ताकि जो बिगिनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होगी। हमारे साथ जो इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं वहाँ पर जो फ्री कॉल्स देता हूँ, तो उसमें किस तरह से ट्रेड करना है, तो इस वीडियो के थ्रू उनको थोड़ी आसानी होगी। और बाकी लोग भी जो नए बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे करके मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है, उसके पहले जो स्टॉक की एक चाल होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक स्टॉक मार्केट में स्टॉक किस तरह से चलती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट, ये ड्राइंग आप ये बना लेता हूँ, समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये जो है एक स्टॉक की चाल है। ठीक है, ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, चार्ट्स में इस तरह से एक स्टॉक चलती है। एक्सप्लेन करूँगा मैं इसे भी, पहले मुझे बनाने दीजिए। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ से आ रही है इसे कहा जाता है डाउन ट्रेंड। ये हो गया डाउन ट्रेंड, और ये जो नीचे है ये हो गया साइडवेज, और ये जो इस तरफ से है ये हो गया अप ट्रेंड। ओके, देखिए, एक जो स्टॉक होती है उसकी चार, एक तो पहले अगर वो ऊपर की तरफ है तो ऊपर से वो नीचे की तरफ आती है, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। एक स्टॉक ऊपर से नीचे आती है, दूसरा हो गया साइडवेज। कुछ महीने या कुछ साल के लिए वो स्टॉक साइडवेज में चलती है, एक रेंज में चलती है, इसे साइडवेज भी कहा जाता है और एक्यूमुलेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो अपना रेंज, ये जो उसका रेंज है इसे ब्रेक कर ऊपर की तरफ चलती है, तो इसे कहा जाता है अप ट्रेंड। स्टॉक मार्केट में इसे इस तरह से कहा जाता है। तो देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि इसे साइडवेज और एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो ठीक तरह से जो स्टडी कर जो ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर वो लोग माल उठाते हैं, यहाँ पर स्टॉक्स उठाते हैं, फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है अप ट्रेंड में, जब उन्हें पता लगता है कि अप ट्रेंड अब ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर वो लोग अपना माल बेच देते हैं। ध्यान से सुनिए, वो लोग यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पर अपना माल बेचकर बाहर निकल जाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर माल बेचना है तो कोई बायर भी होना चाहिए, और वो बायर कौन है ज़रा सोच कर देखिए, वो बायर हम हैं। वो बायर रिटेलर्स, मोस्टली रिटेलर्स कहाँ बाई करते हैं, ऊपर बाई करते हैं। रिटेलर्स ये साइडवेज मार्केट को नहीं देखता है, रिटेलर्स ये अप ट्रेंड को देखता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, इस भरोसे में वो लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर अपना माल जो रिटेलर्स को बेच देते हैं। वो बेचने के बाद फिर से मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड से यहाँ से फिर से एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, उस एक्यूमुलेशन में वो रिटेलर्स को माल ऊपर की तरफ बेच दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने डाउन ट्रेंड बनाया था, तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन अगर नीचे हुआ तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको, रिटेलर्स को, और वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड आता है। फिर से जब डाउन ट्रेंड आता है और रिटेलर्स, ऑफकोर्स रिटेलर्स डर जाता है, रिटेलर्स का रिस्क एपिटाइट ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या सोचता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, इस सोच के साथ अपनी माल को यहाँ पर वो बेच देता है, अपने स्टॉक्स को यहाँ पर वो बेच देता है। तो यहाँ पर हो जाता है एक्यूमुलेशन, जो बड़े लोग फिर से कर लेते हैं, और फिर से ऊपर आकर वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं।
तो इस तरह से एक स्टॉक की कहानी होती है। हर एक स्टॉक ऑलमोस्ट इसी तरह से स्टॉक मार्केट में मूव करता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। देखिए, जो भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये तो पता होना ही चाहिए। तो मैं सिंपल वर्ड्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मैंने दो लाइन बना दी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस में ट्रेड करते हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक स्टॉक मूवमेंट में है, एक स्टॉक मूव कर रही है, एक स्टॉक है आ रही है, यहाँ से आ रही है एंड रेजिस्टेंस में आई, ठीक है। तो यहाँ से अब दो संभावना संभव है, एक यहाँ से ये ऊपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा, या फिर दूसरा यहाँ से ये टच कर कर या रेजिस्ट कर कर फिर से नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो बायर्स या सेलर्स या जो ट्रेडर्स है वो या इस समय का वेट करना चाहिए। और यहाँ पर जब एक फॉर्मेशन बनती है, अगर फॉर्मेशन ऊपर की तरफ बनती है तो उन्हें क्या करना है, हमें बाय की तरफ जाना है और ऊपर की टारगेट्स को हमें देखकर बाहर निकलना है। अगर ये यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ पर रेजिस्ट के यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है और नीचे की तरफ आकर अपनी टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। ये हो गया बाय साइड के लिए या फिर रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और दूसरी एक मूवमेंट बताता हूँ, ये हो गई सपोर्ट में अभी क्या करना है। जब एक स्टॉक सपोर्ट में आती है तो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर भी दो संभावना संभव है, ठीक है, कि यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा या सपोर्ट को तोड़कर नीचे आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक का वेट करना है। जब सपोर्ट में आता है तो हमें फॉर्मेशन चेक कर कर अगर ये यहाँ से रिवर्सल लिया तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है, लॉन्ग साइड में जाना है, एंट्री लेना है, या फिर ये यहाँ पर सपोर्ट को तोड़कर नीचे आता है तो हमें शॉर्ट साइड में एंट्री लेकर यहाँ पर एग्जिट होना है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। मैं इस वीडियो में अभी जो सवाल है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। तो मैं इस वीडियो में वो कवर नहीं कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। मैं डेफिनेटली नया वीडियो उसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है, वो सब हम उस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ये वीडियो मैं इस वीडियो में मैं आगे आगे की तरफ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक जो ट्रेडर है तो किस तरह से, जो बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बिगिनर्स किस तरह से एंट्री लिया करते हैं, ठीक है। बिगिनर्स जो है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंट्री है, तो उसमें हम कुछ एंट्रीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली एंट्री हो गई शार्प पैटर्न, दूसरी हो गई कैंडलस्टिक्स पैटर्न, तीसरी हो गई जो हमने अभी बात किया सपोर्ट में जब आता है तब का ट्रेड, चौथा जो हमने फिर से बात किया रेजिस्टेंस का ट्रेड, ठीक है। तो एक ट्रेडर किस तरह से जो ट्रेड्स लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट पैटर्न को देखता है, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है करके देखकर चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लिया जाता है। दूसरा कैंडलस्टिक्स की पैटर्न, जब भी स्टॉक एक मूवमेंट करती है तो जो चार्ट है कैंडलस्टिक में एक पैटर्न जरूर बनता है, तो उस पैटर्न को देखकर, उसकी फॉर्मेशन को देखकर ट्रेड लिया जाता है। तीसरा सपोर्ट में कोई फॉर्मेशन बन रहा है तो उसको देखकर ट्रेड लिया जाता है। चौथा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड लिया जाता है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए है, इसलिए मैं एकदम जो बेसिक है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो और भी टाइप्स ऑफ एंट्री है तो मैं वो सब इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, मैं आपको कुछ चार्ट्स भी बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर तीन चार्ट्स लगाया है, एक है बैंक निफ्टी, एक है कमिंस इंडिया और एक है अमर राजा बैटरीज, ठीक है।
तो बेसिकली मैं जो कॉल्स टेलीग्राम हो गया या फिर इंस्टाग्राम में जो कॉल्स देता हूँ वो मोस्ट कुछ दिन से, एक 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से कमिंस इंडिया में दे रहा हूँ, अमर राजा बैटरीज में कुछ दिन से दे रहा हूँ। तो आई जस्ट थॉट कि इसमें मैं आपको एनालाइज करके बताऊँ कि मैं कॉल्स किस बेसिस में दे रहा हूँ। ठीक है, कमिंस इंडिया का मैं सबसे पहला आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्या कहा था, मैंने एक बाई कॉल दिया था कितने प्राइस में, 360 में मैंने कहा था कि बाई करना है करके। ठीक है, क्यों बाई करना है करके बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, 360 में बाई करना है बताया था और 370 का ऊपर टारगेट भी ड्रॉ कर देता हूँ। 370 का मैंने टारगेट दिया था। ठीक है, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया था, मैं मेरा कॉल्स में स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, सिर्फ ये टारगेट्स देता हूँ और एंट्री प्राइस देता हूँ। क्यों, मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, मैंने एंटर प्राइस दिया था 360 का, क्यों दिया था, देखिए उसके पहले दिन का मोमेंट, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है तो ये लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग है, ये प्राइस आता है 360 के आसपास और यहाँ से रजिस्टर होकर नीचे आता है, फिर से ऊपर आता है, रजिस्टर होकर नीचे आ गया। तो मेरा पॉइंट था 360 जो रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेक करता है, मैं हमेशा कहता हूँ बाय अबाउ 360 का ही मैंने लेवल दिया था। तो कल के दिनों में देखेंगे तो 360 के पास ये ओपन हुआ। ठीक है, 359 पॉइंट समथिंग भी ये गया था, लेकिन 360 में ये गया नहीं और वहाँ से ये पूरा नीचे गिरा है। देखिए ये इस कैंडल को आप देखेंगे तो जैसे ही ओपन हुआ वहाँ से फॉल है, जैसे ही ओपन हुआ वहाँ से ही रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये है 15 मिनट्स का कैंडल। ठीक है, मैं मोस्टली 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का देखता हूँ, लेकिन रेफरेंस के लिए 30 मिनट्स का भी देखता हूँ, 2 आवर्स का भी देखता हूँ, 1 डे का भी देखता हूँ। मैं सब चार्ट्स सब टाइम फ्रेम में देख कर ही अपने एंट्री को मैं कंफर्म कर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो चार एंट्री दी थी ये 15 मिनट्स कैंडल के बेसिस में दी थी। तो यहाँ से ओपन इक्वल टू हाई, देखिए जब भी मार्केट ओपन इक्वल टू हाई बनाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो सेलर्स है मार्केट में उनका जो स्ट्रांग, वो लोग स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, ताकि उन लोग, इसलिए वो लोग ने क्या किया, सेलर्स ने इसके ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं दिया, स्टॉक को इसके ऊपर जाने ही नहीं दिया, जैसे ही ओपन हुआ वहीं से ये फॉल होना चालू हुआ। ठीक है, तो वैसे भी 360 का लेवल इसने क्रॉस किया नहीं था तो यहाँ पर एंट्री नहीं बना है। ठीक है, मोस्ट कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले लिया, ये उसको प्री एंट्री कहा जाता है, वो लोग ठीक से जो लेवल्स है उनको फॉलो नहीं किए और प्री एंट्री किए तो ऑफ कोर्स उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो लेकिन ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, ये लेवल कब क्रॉस हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से ये नीचे गया, यहाँ से ये बुलिश बनाया, चार्ट पैटर्न में इसने एक चेंजेस हुआ, यहाँ से ऊपर गया, 360 का लेवल इसने आसानी से क्रॉस किया। देखिए वॉल्यूम भी है, देखिए मैं हमेशा मेरे जो ट्रेडिंग है मैं जो लेवल्स देता हूँ उसमें मैं अपना वॉल्यूम भी चेक करता हूँ। ठीक है, इसमें वॉल्यूम भी है, बड़ी कैंडल है। तो देखिए मैंने दो लेवल टारगेट्स दी थी, 365 और 370 की। अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल में ही जब ये क्रॉस करा था तभी 365 इसने दे दिया। ठीक है, और जो लोग सेकेंड टारगेट के लिए वेट भी करते हैं, ठीक है, मेरे मेरा कॉल्स मैं हमेशा कहता हूँ कि मिनिमम 1:1 का कॉल मैं देता हूँ, तो 1:1 के हिसाब से ये 370 अगर इसका फर्स्ट टारगेट है, अगर कोई सेकेंड टारगेट के लिए भी वेट किया, बिकॉज मैं 370 का दिया था, 10 रुपीज़ वॉज माई सेकेंड टारगेट। ओके, अगर कोई 370 के लिए वेट भी कर रहा है तो 1:1 के हिसाब से 360 में अगर बाई हुआ है तो 350 उनका क्या बन जाता है, स्टॉप लॉस। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस एक लाइन बना देता हूँ, देखिए 350 उनका बन जाता है स्टॉप लॉस यहाँ पर इस कैंडल में। 1 मिनट, हाँ इस कैंडल में एंट्री, मैं ब्रश ले जाता हूँ एक, देखिए इस कैंडल में एंट्री हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर 360 में एंट्री हुआ है और 365 में कुछ लोग निकल गए रहेंगे, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आया है यहाँ से, और 350 रहा जो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर 1:1 है तो 10 रुपया, अगर टारगेट रखा है तो 10 रुपये के लिए नीचे स्टॉप लॉस है। तो देखिए ये स्टॉप लॉस नीचे आया नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, बाइंग प्राइस यहाँ पर है, बाइंग प्राइस से ये जब नीचे आने लगता है तो बीच में ही एग्जिट हो जाते हैं। तो बीच में बिल्कुल एग्जिट नहीं होना है, कोई भी ट्रेड में क्या करना है, एक वो टारगेट अचीव करना है या बाहर नीचे स्टॉप लॉस हिट करना है।
तो वैसे उसी तरह से ट्रेड करना है, बीच में एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस 350 का रहा है तो 350 में आया नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ से आकर फिर से रिवर्सल लिया, 370 का मेरा टारगेट था, देखिए बराबर कहाँ पर ये आया है, बराबर अपना टारगेट इसने अचीव किया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कहाँ से इसका बाई लेवल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ड्रॉइंग्स निकाल लेता हूँ, 1 आवर में लेकर चलता हूँ आपको। देखिए मैं इसमें बाइंग का लेवल यहाँ से दे रहा हूँ, मैंने एक्चुअली 300 से इसका बाइंग का लेवल देना चालू किया था, लेकिन मैं बुलिश यहाँ से था, लेकिन जब ये यहाँ से ये नीचे रिट्रेस होकर जब ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, जब ये यहाँ से ऊपर गया तो वहाँ से मैं बुलिश हो गया इसमें थोड़ा, तो मैं यहाँ से मैंने बाइंग की लेवल दी है, और भी मैं आगे भी दूंगा, लगभग मेरा लेवल ऊपर एक बना लेता हूँ। देखिए यहाँ यहाँ से 370 का मैंने बाय नेक्स्ट कॉल दिया है, 370 अगर ये क्रॉस करता है, अभी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस में ये रेजिस्ट हुआ है, ठीक है, पीछे देखेंगे तो अच्छा खासा इधर रेजिस्ट हुआ है, तो यहाँ से अगर इसे तोड़ कर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पर हमें फिर एक बार अच्छा खासा एंट्री मिल सकता है, अच्छा खासा इसने पैटर्न भी बनाया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेवल को देख कर ही हमें एंटर करना है, ठीक है। अमराजा बैटरीज की बात करते हैं, तो मैंने अमराजा बैटरीज में मैंने बता देता हूँ आपको, इसमें भी मैंने बाई कॉल दिया था 530 में, 530 के ऊपर इसे बाई करना है करके मैंने कहा था, ठीक है। लेकिन इसकी ओपनिंग कहाँ पर हुई, 532 अपनी जो लेवल है उसके ऊपर ओपनिंग हुई, ठीक है। लेकिन मैं टेलीग्राम में क्या कहा था कि मेरे लेवल में ये अगर आता है फिर से, 532 में ओपनिंग हुई और 530 में अगर फिर से आता है तो मैं फिर से बाई करूँगा, लेकिन तब तक मेरी जो कल के दिन में जो जीरोदा ऐप है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, टेक्निकल इश्यू फिर से जीरोदा में आ गया था, तो चार्ट्स कुछ काम नहीं कर रहे थे, जीरोदा ऐप काम नहीं करा था, तो मैं किसी को बता नहीं पाया। देखिए ऐसे सिचुएशन में मैं कभी ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। जैसे मैंने कमिंस इंडिया में कहा उसी तरह से अमराजा बैटरीज में भी, इसका मैं बताता हूँ फिर से एक बार, जैसे मैंने इसका बताया था ओपन इक्वल टू हाई, वो यहाँ पर भी लागू होता है। देखिए यहाँ पर भी ओपन इक्वल टू हाई है, जैसे ही ऊपर से मार्केट ओपन हुआ, गिरना चालू हुआ, गिरते 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 कहाँ तक नीचे तक आया है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एंट्री नहीं लेता। देखिए मेरा लेवल दिया है, तो लेवल को किस तरह से ट्रेड करना है उसे आपको जानना चाहिए, लेवल को जो लेवल मैं देता हूँ उस लेवल को पहले आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। मार्केट में कोई कोई भी पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, मैं आपको कह देता हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज़ सिंपल बट ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत आसान है लेकिन उतना भी आसान नहीं है, ट्रेडिंग आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है, तो आपको उसे समझना है, तो आपको भी कुछ मेहनत भी करना है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई जॉब जा रहे हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपको पैसा जो पेमेंट मिलता है वो आसानी से नहीं दिया जाता है, या फिर आपको केवल जाकर आने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, जो पैसा आप जो पेमेंट आपको दिया जाता है वो काम करने का दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको काम दे रहा हूँ, जो काम है वो आपको पूरा करना है तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था इसके ऊपर बाई करने के लिए, लेकिन ये ओपन इक्वल टू आई बनाकर नीचे 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 आया, तो ऐसे टाइम पे बाई नहीं करना है। देखिए 1 मिनट, अगर ये स्टॉक अगर अमराजा बैटरीज जो है यहाँ से रिवर्सल लेकर यहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर फिर से ऊपर की तरफ जाता, फिर से कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से घिर कर जो मैंने लेवल बाइंग लेवल दी है यहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर फिर से ऊपर जाता, जैसे इसने बनाया, जैसे 360 में मैंने दिया था लेवल बाइंग का, ये यहाँ पर एक वॉल्यूम के साथ इसको ऊपर तोड़ा है, तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर मिस भी करता है तो जब यहाँ से फिर से ये ऊपर आता है तो बहुत सारे मौके इसने दिए एंट्री का, तो यहाँ से अगर एंट्री भी किए होते तो देखिए 2 कैंडल में ही इसने पूरा टारगेट अचीव करा दिया है,
तो इस तरह से एंट्री लिया जाता है स्टॉक को। जो स्टॉक एंट्री स्टॉक लेवल दिया जाता है उसे अपने वॉच लिस्ट में रख कर हमें क्या करना है, वेट करना पड़ता है जो लेवल। ऐसे ही आँख बंद करके ट्रेडिंग नहीं की जाती, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे तो ये एक रेंज इसने बनाया और फिर से इसने अपनी रेंज थोड़ा और यहाँ पर दिया। तो अभी के हिसाब से देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, कितने बार सपोर्ट लिया है मैं आपको बताऊँ। देखिए मैं ये वीक निकाल लेता हूँ, बराबर यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए यहाँ से आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट के आसपास इतना सारा इसने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। तो ये लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। देखिए मैं ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो लेवल है देखिए यहाँ पर भी बुलिश होने का इसने संकेत दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन ये फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैंने दो लाइन बनाया है। तो वेनेसडे जो कल के दिन है, कल का दिन अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके या फिर यहाँ पर वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर फिर से मैं एंट्री लूँगा और आप भी ले सकते हैं। कहाँ 510 के ऊपर इसका एंट्री लेना है और इसकी टारगेट होगी 530, 20 रुपीज़ की टारगेट। और यहाँ से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये बन गया इसका स्टॉप लॉस और ये है 510 में लेंगे तो 590 के आसपास इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। तो 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 20 रुपीज़ का टारगेट 1:1 आप इसमें वेनेसडे के दिन इसमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जिसे कहा कि जो लेवल्स दिया जाता है तो उसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना इतना जो मुश्किल नहीं है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन आपको बनाना है और लाइन को आप वॉच करना है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। तो मैं अभी बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। बैंक निफ्टी में एक मिनट, कल के दिन में मैं क्या था, इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, जब इसने ये ब्रेक किया तो ये सेल कॉल था। हम मैंने कुछ कॉल भी दिए थे, मैंने सेल कॉल नहीं दिया एक्चुअली उस दिन, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इसमें ज़ीरोधा में कुछ इशू आया था तो मैंने सेल कॉल नहीं दिया। मैंने बाई कॉल दिया था, उसी ऑप्शन बाई उनका एक दिया था। तो यहाँ से उसने अच्छा खासा 50% का जो इन्वेस्टमेंट था या फिर जो एंट्री लिए थे उसमें 50% रिटर्न उसने दिया, ठीक है। 200 के आसपास हमने एंट्री ली थी और उसने 320 के टारगेट उसने अचीव कराई थी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं। मैंने क्यों दिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और बैंक निफ्टी में अभी आगे की मूवमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और पॉज कर इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है। चार्ट में आपको क्या दिखता है, क्या दिख रहा है वो आप देखिए और मैं उसके आगे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर एक देखेंगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अभी आपको क्लियरली दिख गया होगा कुछ, क्या दिख गया होगा क्लियरली, तो मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में है कि नहीं। मैं रेंज में आपको बना के दिखा देता हूँ, देखिए एक मिनट, यहाँ से मार्केट आया इधर, यहाँ से मार्केट गया ऊपर रेजिस्ट हुआ, वहाँ से मार्केट आया नीचे सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट आया ऊपर रेजिस्ट हुआ, वहाँ से मार्केट आया नीचे और फिर क्लोजिंग बेसिस में इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया है और बीच में ही क्लोज हुआ है। तो आगे क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वेट करना है वेनेसडे ओपनिंग के लिए। और वेनेसडे में अगर ये इसके ऊपर यहाँ पर कहीं ओपन होकर इसके ऊपर जाता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है वो हमें पहला वॉच करना है, ठीक है। अगर वेनेसडे को ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इसकी टारगेट क्या हो जाएगी, इसकी जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है लगभग 600 पॉइंट की है। तो 600 पॉइंट, यहाँ से 600 पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है और वो उसकी टारगेट हो जाएगी। अगर मंडे को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से इसका टारगेट हो जाएगा ऊपर की तरफ 600 पॉइंट।
तो आपको इस तरह से ट्रेडिंग कर कर पैसा कमाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना ये भी बता दिया था, एक मिनट हाँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला वेट करना है। वेट करके मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का मूवमेंट क्या है वो आपको चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। ये मार्केट किस तरफ से ब्रेक ब्रेक नीचे ब्रेक कर रहा है या ऊपर ब्रेक कर रहा है, उसका वेट करना है। और जहाँ जिस तरफ से वो ब्रेक कर रहा है वहाँ पर ब्रेक करके आपको एंट्री लेना है, ठीक है। अगर इस बेसिस में आप एंट्री लेते हो, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और आपने लॉन्ग किया और ऊपर की तरफ से वापस रिवर्स होकर नीचे आया, तो इसकी स्टॉप लॉस है 300, ठीक है। ये जो इसकी साइज़ है इसका बीच का है, बीच का लाइन बीच में कहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर 600 के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। तो इसकी प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, 1:2। आपने स्टॉप लॉस 1 लगाया और टारगेट 2 का वेट कर रहे हैं। नीचे की तरफ भी ऐसे ही, नीचे भी अगर ये ब्रेक करता है तो आपको स्टॉप लॉस 1 देना है और टारगेट 2 टारगेट के लिए वेट करना है, ठीक है। अमराजा बैटरीज में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़। आप इसको अगर डे कैंडल में ले चलते हैं तो मैं क्यों उसमें बाय और सेल दे रहा था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ कि आप कुछ इसमें वीडियो को पॉज कर जरा सा देखिए कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। आप ज़रा चेक कीजिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है करके, तो आपको पता चलेगा। पैटर्न का ज़रा वेट कीजिए, देखिए इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है, ज़रा पॉज कर आपको देखना है सबसे पहले, ठीक है। देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसमें अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है, मुझे तो अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन इधर की तरफ लगाई और ऊपर की तरफ मैंने ड्रॉ किया, मुझे क्या मिल गया, एक अच्छा खासा पैरेलल चैनल मुझे दिख रहा है। देखिए अगर इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड भी कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए शायद अमराजा बैटरीज इसके अंदर ट्रेड करेगा। अभी के लिए तो इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो और भी कुछ दिन कर सकता है या फिर इसके नीचे ब्रेक डाउन भी दे सकता है। जब भी मैं कह रहा हूँ, देखिए जब भी ये लाइन ब्रेक करता है, आपको भी अपने चार्ट में इस लाइन को ड्रॉ करना है। जब भी ये चार्ट पैटर्न जो है, ये पैटर्न जब भी ब्रेक होता है, ये लाइन जब भी ब्रेक होता है, तो आपको एंटर करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको एंटर लेना है, ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ एंट्री करना है, ठीक है। मोस्टली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ ही एंट्री करे, ब्रेक डाउन देगा। और इसकी टारगेट क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है 50 पॉइंट्स की है, 50 रुपये की टारगेट है। तो यहाँ से जहाँ से भी ये ब्रेक करेगा वहाँ से 50 पॉइंट्स की टारगेट होगी। और जैसे मैंने कहा कि ये बीच की लाइन जो है वो 25 पॉइंट है, तो 25 पॉइंट की स्टॉप लॉस होगी, ठीक है। तो इसमें भी 1:2 का टारगेट प्रॉफिट है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो आप 1:2 को आप इसमें इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और इसमें वॉच लिस्ट में रखकर आप इसका वेट कर सकते हैं। जब भी ये ब्रेक करेगा तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग इसी तरह से किया जाता है, ट्रेडिंग में हमेशा क्या करना है, वॉच ज़्यादा करना है, देखना ज़्यादा है और ट्रेड्स कम लेना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखते बहुत कम है या देखते भी नहीं है, और ट्रेड हम लोग आँख बंद करके जहाँ भी मौका मिलता है, या मौका मिले या ना मिले, हम ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉस में रहते हैं, बराबर। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ सिखाने की कोशिश किया हूँ, तो आपको कुछ सीखने मिला होगा करके मैं उम्मीद करता हूँ। तो बेसिकली समराइजेशन में जो किस तरह से ट्रेड लेना है मैंने वो आपको बताने की कोशिश किया है। जैसा मैं जो लेवल देता हूँ वो लेवल को एक लाइन के रूप में आप बाइंग में बना दीजिए, उसके बाद उसको वॉच कीजिए, और जैसे वो लेवल आती है तो उसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो इस फ्री कॉल के साथ जो मैं इंस्टाग्राम हो गया या फिर टेलीग्राम में जो लेवल वॉच करके ट्रेड करने के लिए देता हूँ उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी जो प्रीमियम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम चैनल अगर आप मतलब
वो उनके लिए है जो ज़्यादा समय वॉच नहीं कर सकते, या कुछ काम उनका होता है, कुछ बिजी होते हैं, तो सिर्फ डायरेक्टली जो ट्रेडिंग ट्रेड लेना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए ही वो प्रीमियम जो चैनल हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी चार्जेस केवल 1,500 रुपीज़ पर मंथ है। तो बहुत ही कम रखा है, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो जिसकी कैपिटल कम होती है, वो लोग भी इसमें ज्वाइन हो पाए, इसलिए हमने केवल 1,500 रुपया का चार्जेस रखा है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ जो अपॉर्चुनिटी मिलते ही, बिकॉज़ देखिए मैं जो लेवल देता हूँ, मुझे तो वॉच करना ही पड़ता है, तो मैं अपने सिस्टम में तो वॉच करते ही रहता हूँ, तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं अपने प्रीमियम चैनल में अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, वो लोग भी ट्रेड करते हैं। अनेक मौका ऐसा आते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो कैपिटल डबल भी किए हैं, वो सब मैंने प्रीमियम चैनल में भी डाला है, इंस्टाग्राम में भी डाला है, ठीक है। तो लॉस भी होता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लॉस भी होता है। देखिए ट्रेडिंग में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन ये लॉस एंड प्रॉफिट को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, वही जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग हमारे प्रीमियम चैनल में यही करते हैं कि लॉस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एंड प्रॉफिटेबल कितना ज़्यादा हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो हम लोग ट्राई करते हैं। और मैं जो पर्सनल ट्रेड्स लेता हूँ वो सब भी उनमें शेयर करता हूँ, ताकि वो लोग भी मेरे साथ मिलकर ट्रेड करें और वो लोग भी उसमें कुछ पैसे अर्न कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखे होंगे, अगर आप लोग कुछ सीखे हैं तो डेफिनेटली एक लाइक कर हमें मोटिवेट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ और डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, और जो इंस्टाग्राम का भी लिंक दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जो हम फ्री कॉल्स देते हैं जो वॉच कर ट्रेड करने के लिए, उसमें आप वॉच कर ट्रेड कर सकते हैं फ्री कॉल्स में, या फिर प्रीमियम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।